Are you involved in a car accident? Exercise your legal rights for accident benefit claims. Accident services at a reasonable charges. Traffic tickets, speeding, careless driving, driving without insurance, red light, and all other driving violations. We also help in landlord and tenant matters. Our legal team serves you better. For all your legal needs, call Manan Legal Services at 416-629-8344, 416-629-8344. Your peace of mind. इंश्योरेट ग्रुप ऑफ कंपनीज इंश्योरेट कमर्शियल इंश्योरेंस बिजनेस इंश्योरेंस प्रोफेशनल इंश्योरेंस होम एंड ऑटो इंश्योरेंस आपकी ज़रूरत की हर इंश्योरेंस का ख्याल राक्ते डिलीवरी वैन दी इंश्योरेंस भी करने हैं तो हरी ज़ुबान बोलने वाले अरशद महमूद 647 686 6465

टैक टी वी की जानब से बिला तकल्फ़ टॉक शो में ताहिर गौर आपको खुश आमदेद कहता है नाज्रीन आज हम एक बार फिर जनाब तारक फ़तेह साहब को अपने स्टूडियो में मेहमान किए हुए हैं और उनसे हम बातें करेंगे उनके नए दौरा हिंदुस्तान के हवाले से तारक फ़तः साहब खुश आहदेद स्टूडियो तीबावरी का शुक्रिया आपकी गैरमौजूदगी में आपके हामी और आपके मुखालफन दोनों ये सोच रहे थे कि आपको इंडियन सिटीजनशिप कब मिलेगी कोशिश तो है और दोनों की दुआएं लग जाएं तो मिल भी जाएगी मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा कि कुछ कर लेकिन कानून हिंदुस्तान का ऐसा है कि वो वो लोग जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनको शायद बड़ी मुश्किल से मिलता है मैंने उनसे कहा कि, कि वो तो एक सिंगर जो है उसको मिल गई है तो मैं भी गाना वाना गा लेता हूँ लेकिन अब मिल जाए तो ठीक है दिल से तो हैं ही हिंदुस्तानी हम दुश्मन तो यही कहते हैं तो जो दुश्मन आपको कहते हैं कि आप दिल से हिंदुस्तानी हैं वो बिल वो हो सकता है कि दिल से हिंदुस्तानी ना हो मगर हिंदुस्तानी तो ओरिजिन के एतबार से हम सभी हैं अब उनके नसीब अच्छे नहीं तो मैं क्या करूं <laughs> जो अपने माँ बाप से इनकार करते हों उनको कौन पूछता है देखे ना जब पेशावर से लेके गवादर तक ये असल हिंदुस्तान तो वो इलाका है ना जहाँ बमियान के स्टैचू हैं जहाँ बुद्धा के स्टैचू हैं वो इलाका हिंदुस्तान कैसे नहीं होगा पंजाब है कुरुक्षेत्र महाभारत लाहौर ये सब तो हिंद दरिया सिंधी हिंदुस्तान है बग़ैर सिंध दरिया के क्या हिंदुस्तान है और सिंध दरिया पे रहने वाले कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं है तो ये दुख की बात अलमिया की बात है चलिए आप हमें ये बताइए कि इस बार दौरा हिंदुस्तान के दौरान आपकी क्या फाइंडिंग्स रही वहाँ के मसाइल के हवाले से सियासत में वहाँ बहुत उथल पुथल है जर्नलिस्टों का और कुछ वहाँ पर अदाकारों का और कुछ आर्टिस्टों का कहना है कि कोई थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू चल रहा है मुसलमानों के इश्यूज़ हैं मैं बहुत सारी बातें एक साथ छेड़ रहा हूँ तो एक एक करके मैं मैं गया था इंदौर लिटरी फेस्टिवल में आ, उन लोगों ने बुलाया था और वो था एक हफ़्ते के लिए वो खिंच के छः हफ़्ते हो गए आ, लेकिन ये तमाम जो मसले आपको बाहर से लगते हैं कि ये हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है मैं उसे देखता हूँ हिंदुस्तान की वाइब्रेंसी में कि नॉन स्टॉप वहाँ जो सियासी अमल है यानी दाएं बाजू का और लेफ्ट विंग और राइट विंग का अगर उसे कह भी सके या बीजेपी या कांग्रेस समझें बीच में कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी उस साइड पे आ जाते हैं राइट विंग पे आप सोचिए आरएसएस है या आ, जिसको भक्त कहते हैं लोग भक्ति या संगी जो हैं वो पूरा मैप है कोई सात आठ सियासी जमातों का जिसमें ज़्यादातर 80 परसेंट आबादी हिंदुओं की है तो हिंदू अमल होगा इनका आपस में तलखी है जुम्बेश है इलेक्शन है हारते हैं जीतते हैं ये अलामत है ज़िंदगी की हम मुसलमान जहाँ रहते हैं हमें मौत और जिसे फ़ॉसिलाइज्ड एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं जिसमें चेंज नहीं होता एक बादशाह आया अस्सी साल तक नहीं गया वहाँ हर पाँच साल बाद हुकूमत बदलती है जैसे अमेरिका में बदलती है हमें आदत नहीं है मुसलमानों को जमहूरीत की हमें सुल्तानों की उमंग है बादशाहों की प्यास है हमें ग़ुलामी की आदत है तो हमें अपनी नज़र से ऐसे लगता है देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा भाई ये तो इंसान का इंसान से जब भी टकराव होगा तो तलखी तो होगी मियाँ बीवी में भी होती है तो हिंदुस्तान इज़ अ वेरी एक्टिव वाइब्रेंट सोसाइटी और अपने अंदर हिंदुस्तान इन्वाल्ड है आप समझिए कि वो जो कैलिफ़ोर्निया में अटैक हुआ ये सब वहाँ ये मेन चीज़ ख़बर भी इतनी नहीं बनती उनके अपने मसाइल और अपने तलखियाँ या अपनी जो फ्रिक्शन है उसको सॉल्व करने में इतना टाइम लगता है और इतना बड़ा मुल्क है कि मैं तो बहुत पॉजिटिव होके आता हूँ जो चीज़ें बुरी भी लगती हैं मुझे उसमें अच्छाई नज़र आती ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सब्जेक्टिव हूँ मुझे कुछ रोमांटिक इंडियन नज़र आता है हो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ये लेकिन अगर रैशनली आप उसको इवेल्यूट करें तो वो एक सोसाइटी इवॉल्व हो रही है अब जब लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली में हवा पोल्यूशन है मैं उसे इस तरह देखता हूँ कि ये इतनी प्रोग्रेस हुई है तो पोल्यूशन है ना अब वो ठीक है कि पोल्यूशन घटाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि के केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि गाड़ियाँ ऑड इवन नंबर की ना चलाएं उस पर भी उनकी तनकीद होती है लेकिन एक शहर का इस लेवल पर आने का मतलब है कि वहाँ मटीरियल और फिज़िकल प्रोग्रेस इतनी हुई कि वहाँ की हवा ख़राब हुई मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ लेकिन इट इज़ एविडेंस ऑफ अ राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि जहाँ हर शख्स के पास अब मोटरसाइकिल चलाने की एक काबिलियत है मोबिलिटी है जो पहले लोग पैदल या बस में आते थे अब वो अपनी खरीद के आ रहे हैं वो और बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बिल्ड हो रही है वहाँ पे, तो इसको मैं इस तरह समराइज़ करूँगा कि वो अपनी ही मिस्टेक से ख़ुद सीखते हैं अब ये आपने अवार्ड्स वापस करने की जी ये बहुत अहम बात है मैंने जावेद अख्तर साहब का इंटरव्यू देखा इसमें आमिर ख़ान साहब की बात पर बहुत हिंदुस्तान में एक नई बहस छिड़ी हंगामा भी हुआ तो ये क्या uh, है, है ज़्यादा देखें अगर इंटॉलरेंस होती तो जावेद अख्तर साहब और आमिर खान ये कह नहीं सकते और uh, मैंने तो वहाँ टेलीविज़न के पता नहीं किस तरह लोगों को पता चल गया कि मैं हूँ या बे बेतहाशा बहस मुबासे में हिस्सा लिया और मैंने देखा कि मुसलमानों का वहाँ तो वीटो है वहाँ आप किसी मुसलमान को क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकते मैं सही बता रहा हूँ मैं हैरान हूँ कि टॉक टोज़ के अंदर जो मौलवी आके कह देता है दूसरों के मुंह बंद हो जाते हैं वो बिल्कुल अमेरिका में जिस तरह हर एक को दुपट्टा पहनाया जा रहा है कि अगर आप इफ़ यू आर नॉट ए रेसिस्ट आप दुपट्टा वो हिजाब पहनेंगे वही अशर वहाँ पे भी हो रहा है कि ब्लैक मेल है मजोरिटी कम्यूनिटी का कि अगर आपने कह दिया कुछ मुसलमानों का तो हंगामा हो जाएगा अभी पिछले दिनों दो एक दो हफ्ते हुए हैं पचास लाख रुपए का नहीं इक्यावन लाख रुपए का इनाम रखा है एक शख्स की गर्दन काटने पे जो इस वक्त मौजूद है जेल में पहले ये हुआ कि किसी एक आज़मगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा कि ये जो आरएसएस के जितने लोग हैं ये शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि ये होमोसेक्सुअल हैं गे हैं वो जो दूसरे साहब थे जिनका हिंदू महासभा से ताल्लुक है उन्होंने गुस्से में आके ये कह दिया कि गे होना क्या है इस्लाम के पैगम्बर नाउजुबिल्लम वो भी गे थे अब ये तो आप गाली गलोच चल रही है लेकिन मुसलमान मौलवियों ने ओपनली थ्रेट किया कि इस शख्स की गर्दन काटी जाए उनमें से एक आदमी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ वो हिंदू लीडर जो है वो तो जे, जेल में बैठा हुआ है ये बिजनौर के कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का इक्यावन लाख रुपए का ऐलान किया गया है इक्यावन लाख रुपए बिजनौर के मुसलमान करेगा कमलेश बात कर रहे हैं तो आपके जो हिंदुस्तान में टेलीविजन पर मुख्त मुक शो हुए तो हमने यहाँ बैठ के कैनेडा में वो क्लिप्स देखे और मुझे उम्मीद है पूरी दुनिया में शायद वो देखे गए होंगे तो आपकी इजाजत से एक क्लिप हम शेयर करते हैं

एक मौलाना साहब हैं ये जो मौलवियों में बेहतर मौलवी हैं इनके सामने जब बात हुई कि ये अल्लाह अकबर ले के मुसलमान गैर मुसलमान की गर्दनें काट रहे बोले ये बात नहीं कर सकते आप भाई क्यों नहीं कर सकते अल्लाह अकबर में बात नहीं होगी अच्छा इन मौलवियों को आदत है कि जब इनके सामने को बात करें और ये कह दें कि इस पर बात नहीं होगी तो मैं आपको गारंटी से बताऊँ बात नहीं होती है ये ब्लैकमेल इतना सख्त है मुसलमान लीडरशिप का कि ये उस उसी डिस्कशन में आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि ये मौलाना साहब जो कि ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े प्रो बीजेपी हैं और जो आरएसएस के उसमें स्पोक्सन थे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं ये जो होस्ट है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और मुझे वो प्रेजेंट कर रहे थे एज अ पाकिस्तानी और उन्होंने कहा कि ये बिनलादिन के आप फॉलोअर हैं अब इसमें जो वो कह रहे हैं उस पर मुझे इतराज नहीं मुझे उस हिपोक्रेसी पे एतराज़ है कि ये मौलवी लोग टी वी के स्टेज पर टी वी जब माइक ऑन है कुछ और कहते हैं और जब कमरा बंद होता है पीछे तो ये बिल्कुल मुख्तल बात करते हैं और अब सबको पता है हिंदुस्तान में कि मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ मेरा इम्प्रेशन है कि ये झूठ ही बोलेंगे इनको बर्दाश्त करो इनके मुँह से सच निकलना ही नहीं है और एक अजीब तरह का ब्लैक मेल ये समझ नहीं रहे कि मुसलमानों की लीडरशिप मौलवी के हाथ में कैसे आ गई इतना बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल है इस मुल्क में अंदर लेकिन टेलीविजन पे वही आप दाढ़ी वाला और टोपी पहन के एक आदमी आ जाता है जिसकी उर्दू जरा कड़क होती है बिल्कुल दिल्ली वाली और वो बैठ के अब मैंने उस पर उन्हें कहा कि भाई पाकिस्तान तो आप लोगों ने बनाया उस पर बड़ा ही उनको रंजिश हुई गुस्सा आ रहा था अगर आपने देखा हो लेकिन मैंने 1946 के इलेक्शन रिजल्ट देखे दिल्ली के पटना के मुंबई के आ, आ, पूरे ये जो आ, सेंट्रल इंडिया हिंदी बेल्ट हर जगह 80 से 90 परसेंट मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया जिसकी बेसिस पे पार्टीशन हुआ तो पठानों ने या सिंधियों या बलोचियों ने तो और पंजाब में भी तो मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री नहीं थी तो पाकिस्तान तो बनाए उन्हीं लोगों ने जो हिंदुस्तान का बंटवारा करने के बाद फिर वहाँ रह गए अब मौलाना साहब तो नहीं लेकिन इनके माँ बाप या इनके दादा नाना उन्होंने तो वोट दिया ना मुस्लिम लीग को और किसी बात पे ये तैयार नहीं है ये मानने के लिए कि इनकी को गलती है इनको ये नज़र आता है कि हम जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुसलमान औरतों पे अपना शिकंजा जमाए हुए बैठे हैं या लोगों की रूह को कब्ज़े में लिए हुए बैठे हम लीडर हैं और पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में तो मैंने देखा कि सेक्युलर लिबरल मुसलमान जो है वो इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है हिंदुस्तान में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो सेक्युलर और लेफ्ट विंग मुसलमान है वो भी मुस्लिम नेशनलिस्ट है और वो बजाय इसके कि ओपनली एंटी इंडिया हो वो एंटी अमेरिकन हो के एंटी इंडिया होता है। कि बड़ा दुख की बात है और ये मैं समझता हूँ कि दूसरे लोग समझ लेते हैं कि किसी ना किसी अंदाज में हर इंडियन मुसलमान एंटी अमेरिकन मुझे नज़र आया और मैं इनसे पूछता था कि आप क्यों एंटी अमेरिकन है अमेरिका ने आपका क्या बिगाड़ा है क्या जवाब देते हैं उनसे ये को पूछता ही नहीं है मुझे तो वो खामोश होकर कहते हैं कि अमेरिका ने ये किया अमेरिका ने इराक़ में ये किया अमेरिका ने सीरिया में ये किया फ़लस्तीन में ये किया अरे भाई तुम तुम्हारे करीब में बिल्कुल साथ में जो सबसे बड़ा मुसलमानों पर सानिया हुआ वो बांग्लादेश में जेनोसाइड हुआ जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान का सपोर्ट दिया जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इंदिरा गांधी से कहा था प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन इंडिया इन इन द मैटर्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान तुम्हारे सामने तीस लाख मुसलमान मर गए उसमें कोई गुस्सा नहीं आपको अमरीका से आपको दुश्मनी है बलोचिस्तान में खाना जंगी हो रही है मुसलमान मर रहे हैं वहाँ कुरदस्तान में मर रहे हैं आपको कोई हिंदुस्तान के मुसलमान को ज़रा भर भी सॉलीडेरिटी नहीं है बलूचिस्तान के मुसलमानों से या कुर्दिस्तान के या इंडोनेशिया ने कब्ज़ा किया हुआ वेस्ट पापुआ पे पता ही नहीं किसी को मोरको ने नाइनटीन से सहारा पे आ, अपने ऑक्यूपेशन है नहीं वो अमरीका दुश्मनी इज़ अ कोड वर्ड फॉर देयर रिजेक्शन ऑफ मेरे हिसाब से द इंडियननेस ऑफ देयर आइडेंटिटी पहले वो अपने आप को मुसलमान मानते हैं फिर अपने आप को इंडियन कहते हैं जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान इस हायरार्की में रहेगा कि पहले मैं उम्मा का हूँ फिर हिंदुस्तान का हूँ तब तक वो आउटसाइडर ही रहेगा देखिए ये तो मुसलमानों का एक अमूमी रवैया है पूरी दुनिया में कि वो अपने आप को पहले मुसलमान समझते हैं जो उनकी बुनियादी शनाख्त है अगर वो पंजाबी मुसलमान हैं या गुरदिश मुसलमान हैं वो बाद में आते हैं इसमें एक फ़र्क है जी दुनिया में वाद जगह है जहाँ मुसलमानों को जमूरी हक है बोलने का वो हिंदुस्तान है तो जब हिंदुस्तान का मुसलमान दोगला दिखाता है तो वो दुख की बात है पाकिस्तान का मुसलमान या ईरान का मुसलमान कुछ कर भी ले सोच भी ले क्या फ़र्क पड़ेगा उसने क्या कर लेना है सीरिया में बोल के देख लिया ढाई लाख मर गए तुर्की में देखिए कहाँ आता तुर्क और कहाँ इर्दगा की हुकूमत तो हमारे तो नसीब ख़राब हैं जब मुसलमान मेजोरिटी में होता है मुसलमान जब माइनॉरिटी में होता है वहीं उसको सच बोलने का हक हाँ होता है जैसे कैनेडा में आप हम यहाँ बात कर रहे हैं ये बात हम पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया में तो नहीं कर सकते ये सिर्फ हिंदुस्तान में कर सकते हैं या अमेरिका में बरतानिया में या यूरोप में कहाँ मुसलमान एंटी है एंटी अमेरिकन है एंटी इंडिया है एंटी यूरोप है तो ये बदनसीबी हुई हमारी लीडरशिप की ना हम में से किसी ने आके नहीं कहा कि तुम्हारी इसी में आ, फ्यूचर है कि तुम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी पहली किताब समझो पहला जो आइडेंटिटी है हिंदुस्तान की है उसके बाद तुम जो भी मज़हब मतलब, जो भी धर्म है उससे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करता तो ये ए, मैं समझूं जो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक्सरियत वो अपने आप को हिंदुस्तान से एसोसिएट करने की बजाय उम्मा से एसोसिएट करते हैं ये आपका परसपशन नॉर्थन इंडिया का नॉर्थन इंडिया का और केरला में भी अब ये है करल के अंदर आप मैं आपको क्या बताऊं अरबी लिबास पहन के लोग घूम रहे हैं बॉम्बे में मैंने देखा हाजी अली के वो मज़ार जो है वो जो समंदर में जाता है हिंदुस्तानी मुसलमान अरब लिबास से क्या उसका ताल्लुक है और वो भी टखने से ऊपर एक मजा अदाकार लगता है जैसे कोई मतलब जॉनी वॉकर चला जा रहा है सड़क के ऊपर किसने कहा कि आप अरब लिबास पहनेंगे तो आप जन्नत में आप या हूरें आप पे ज़्यादा यू नो फ़दा होंगी हाँ मतलब ये मतलब ये साहब एक परसेप्शन है पाकिस्तान की तरफ़ से भी किया जाता है हत्या कि पाकिस्तान के सेकुलर लिबरल दानश पर भी इस परसेप्शन में बहुत आगे आ गए हैं और मीडिया तो पाकिस्तान का करता ही और मुसलमान जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान उनका यह है जी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो पतली हालत है उसकी वजह वो कहते हैं जी कि वो तरक्की नहीं कर पा रहे कौन तरक्की नहीं कर पा रहे किधर की बेवकूफ़ी बातें करते हैं तो क्या आप ये कुएं के मेंढक ना इनको आज़ादी का पता है, ना इनको अखबार निकालने का पता है, ना सच बोलना आता है ना झूठ बोलना आता है एक शख्स ईरान सऊदी अरबिया पाकिस्तान में बैठा हुआ भाषण दे रहा है इंडिया को कुछ शर्म करो ना तुम बाइसिकल बना सकते हो ना तुम्हें आईफोन आता है ना तुम अपनी बंदूक बना सकते हो जो शादियों में हवाएँ फायर करते हो कुछ शर्म करके टुल्लु भर पानी में डूब मरो हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान को ब्लैकमेल कर रहा और ये कह रहे हैं कि पतली आ, हालत है उनकी मुझे तो नहीं समझ में आया किसकी पतली हालत है नबे परसेंट हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी वो हिंदू है जो एट्टी नाइनटी परसेंट लोग गाँव के अंदर पिस रहे हैं जो खुदकशी कर रहे हैं क्रॉप फेलियर्स की वजह से हरियाणा हो या तेलंगाना हो वो तो हिंदू है आपने कब सुना कि मुसलमान जो है तबाह होकर मर गया क्योंकि उसको मस्जिद में जाने नहीं दिया हर जगह ठेकेदारी चल रही है तो गाय के गोश पे दो चार को वाकत मेरी पे, बात सुनिए उस पर हदीस ये है मुसलमानों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा गाय का, का गोश्त मत खाओ ये जहर है तो मुसलमान क्यों खा रहा है गाय का गोश्त आपने कभी बिल्कुल आपने कभी गाय का गोश्त खाया पाकिस्तान में मैंने भी नहीं खाया आपने नहीं खाया ना कोई पठान खाता है ना अरब खाता है ना तुर्की खाता है ना ईरानी कोई खाता है ना बंगाली खाता है ये कौन खाते थे गाय का गोश्त वो नवाब लोग जिनकी हकूमत में हिंदुस्तानी मिजौ, हिंदू मेजॉरिटी में था और एक मुस्लिम माइनॉरिटी नवाब रूल करता था तो हिंदुओं को जलील करने के लिए ये गाय का गोश खाते थे जिसे हमको पाकिस्तान में कहा गया जब ये महाजिर आया यूपी से कि बड़े का गोश्त हमने देखा नहीं कभी गोश गाय का सोचा नहीं कि गाय का यहां आके स्टेक वे सामने आया वरना मुसलमान तो बकरे का गोश्त खाता है गाय का गोश्त खाना सिर्फ उन इलाकों में है जहां आप किसी हिंदू को उस टू पुटम इन इस प्रॉपर प्लेस कि हम नवाब हैं अवध के तुम क्या समझते हम गाय काट देंगे अब बताइए हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ पार्टी कर रहे हैं मुसलमान आपका जब मजहब कहता है कि गाय का गोश्त मत खाओ और ये कहते हैं कि ये अल्लाह जानवर बनाया है दूध के लिए मतलब अरेबिया में तो गाय होती नहीं है सर तो झूठ भी इंतहा का और खुदा का खौफ नहीं है कि इतना क्लैरिटी है आपके मजहब में कि मुसलमानों को कहना चाहिए कि बीफ बैन होना चाहिए और वैसे भी हमारे यहाँ मीटलेस डे होता था पाकिस्तान में आपको याद होगा सही लेकिन देखिए आप हिंदुस्तान में हम देखें तो जो लिबरल वहाँ का तबका है जो कांग्रेसी मजाज के लोग हैं या जो एंटाई मोदी रजीम है उनका डेमोक्रेटिक हक हाँ है वो ये समझते हैं कि गाय के गोश पर जो ये कुछ वाक़ात हुए हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला है मैं एवॉर्डों की बात भी साथ जोड़ना चाहता हूँ बहुत सारे आर्टिस्ट एवॉर्ड वापस कर रहे हैं तो ये सिचुएशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिबरलिज्म इसको अवार्ड वापस दे दें लेकिन ये गारंटी करें कि आइंदा कभी नहीं लेंगे ये नहीं हो सकता है कि अवार्ड को नचोड़ के उसका यानी आम आपने लिया उसको चुपा उसको जूस पिया उसको मचोड़ के उसकी गुठली रख के वापस छिलका और गुठली दे दी कि वापस ले लीजिए कुछ तो शर्म करो क्या दे रहे हो और जैसे ही बिहार का इलेक्शन ख़त्म हुआ अवार्ड देना वापस हो गया दीज आर पोलिटिकल इश्यूज ये दानश्वर का हक है कि वो अवार्ड वापस करता है लेकिन इसमें झूठ का थोड़ा सा रंग है वो इसलिए कि जब दो तीन लाख हिंदू पंडित कश्मीर से निकाला गया और हिंदुस्तान की हुकूमत जो कांग्रेस की थी उसने कुछ नहीं बोला तो इनकी मामर गई थी इनकी क्या आवाज़ नहीं निकलती थी कि हम अवार्ड वापस कर रहे हैं अपने ही मुल्क में एक हिंदु हिंदुस्तान के हिंदू पंडित अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी बन गया कुछ तो मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए थी कि वो वापस कर देते कि हमारे नाम पे हमारे मजहब के नाम पे हमारी उम्मत के नाम पे कश्मीर के ओरिजिनल रेजिडेंट निकाल दिए गए और कोई एक मौल भी नहीं बोला मैंने एक मौलवी साहब से कहा कि आप कह रहे हैं आप आईसीस के नहीं हैं तो भैया आईसीस के ख़िलाफ़ जाके लड़ लीजिए और अगर इतना दमम नहीं है क्योंकि दिल्ली में आमतौर पे लोग इस टाइप के आपको पता है पाकिस्तान फ़ौज में भी वहाँ के लोग नहीं भर्ती होते हैं, आ, सिर्फ अफसर बनते हैं आ, ये मुशरफ साहब टाइप के लोग कोई संतरी वंतरी नहीं बनता कि अगर आप में दम नहीं है लड़ने का तो भैया एक काम करो सारे मॉल भी दिल्ली के मिल जाओ और ये पंडितों के लिए एक जुलूस निकालो और जाके लड़ लो मुफ्ती साहब से और जो कश्मीर के अंदर हैं आज़ाद पसंद लोग उनसे कहो कि हम हैं मुसलमान हिंदुओं को अपने घर लौटाने आए करके दिखाओ तब मानेंगे तुम्हारी बात झूठ का कारोबार तो ख़त्म करो ना कि बड़ा साहब हमारे साथ जुल्म हो रहा अच्छा वही शख्स जो कहता है कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है वही शख्स टी वी आके कहता है कि नहीं हो रही मैं आपको एक और मौलवी साहब का बताऊं, वो दो तीन दफ़ा तो मुझे किसी शो में उन्होंने इस तरह गुफ्तु की कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या कहूं, लेकिन एक डिस्कशन में मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि भाई आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो बोलेगा हम उसका गला उठ देंगे और अजीब सी ऐसी तलख उर्दू बोलते हैं वहाँ के लगता है सच ही बोल रहे हैं एक उर्दू में एक कमाल वैसे है कि ज्यादा आप तल्ख उर्दू बोलें या सलीस उर्दू बोलें तो ऐसे लगता है आदमी वाकई सच बोल रहा है तो मैंने कहा कि आपका मोहम्मद बिन कासिम के बारे में क्या ख्याल है उन्होंने कहा वो तो मेरा हीरो है मैंने कहा महमूद गजरे कहा वो भी हीरो है औरंगजेब वो भी हीरो है आप, आग, आपके पास अगर क्लिप है तो आप उसको चलाएं ताकि लोग देख सकें कि एक शख्स कह रहा है और औरंगजेब को कहता है वो मेरा वली है मैंने उनसे पूछा भाई ये इतने बादशाह में से किसी एक ने हज नहीं किया तो कहते हमें क्या पता मेरा ख्याल है क्यों ना हम वो क्लिप देखें ना Please. अभी जिस क्लिप की बात तारक़ फ़तः साहब कर रहे हैं ये हिंदुस्तान के एक टीवी से हम क्लिप ले रहे हैं और इस क्लिप में तारक़ फ़त् साहब एक मुजाकर में एक मुल्ला साहब के साथ इंगेज हैं आप मुला कीजिए अब मैं बता देता हूँ क्या तो हम तो उसको मान रहे हैं मौलाना साहब सीधा सवाल किया एज अ मुस्लिम आप सच बोले मैं भी बोलूंगा जी मोहम्मद बिन कासिम को आप हीरो क्यों मानते हैं देखिए उनकी तारीख को आपने क्या पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है ये तो हम जानते हैं आप क्यों उसको हीरो मानते हैं अरे कमाल की बात कर रहे हैं हम तो ये मान रहे हैं कि उन्होंने किसी को जुल्म नहीं किया मोहम्मद बिन कासिम अब आप कहेंगे साहब उन्होंने जुल्म किया आप कहेंगे उन्होंने जुल्म किया अरे जो आपने पढ़ा पढ़ाई की बेटियां अगवा करने वाले ठीक है बीस हजार हिंदू औरतों को भगा के ले गया आपका हीरो है देखिए आप दिल्ली में किताबें छाप के बांट रहे हैं और मेरे सामने कह रहे हैं क्या मस्जिदों में कुछ नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है और महमूद एक महमूद गजरबी को क्या कहेंगे आप क्या वो हमारा हीरो है तो हीरो था आज भी हीरो है सर, हीरो रहेगा सोमनाथ कितनी दफा तोड़वाएंगे आप उसकी तारीख में तो उठा के देखो क्यों हुआ ये ये वाक क्यों पेश आया और तैमूर हम हम तैमूर की बात नहीं कर रहे औरंगजेब हम औरंगजेब औरंगजेब हीरो है हमारा और हीरो रहेगा आप क्या बात कर रहे हैं आप चोर और कातिलों को हीरो बना दिया आपके लिए चोर होंगे ना वो बाप का हमारे लिए वो बनी है बाप का कत्ल किया नहीं देखिए किया। क्यों किया बेटे का कत्ल क्यों किया? किया आप ये देखिए कि एक सौ बावन मंदिरों में उन्होंने आज तक जामीना लगी हुई हैं औरंगजेब ने लगाई हुई हज किया उन्होंने अरे हज, हज क्यों नहीं किया नहीं किया कोई वजह रही होगी ना अरे मौलाना पैसे कम पड़ गए थे उनके पास मौलाना साहब ये क्लिप हमने देखा बताइए अब इस क्लिप में जो मौलवी साहब कह रहे हैं ये नंगे हो गए अच्छा नंगे तो हो गए मैं यहाँ पे एक नई बात छेड़ना चाहता हूँ मुझे ये ऑनेस्ट भी लगते हैं जैसा ये सोचते हैं वैसा कह रहे हैं बिल्कुल ये ठीक है? है हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह टाई भी पहने हुए हैं आपकी तरह टाई भी पहने हुए हैं जो शायद दो गिलास शराब के भी पी लेंगे यानी इमरान तर... खान टाइप के लोग रंग रंगेलियाँ भी कर लेंगे हाँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता बहुत सारे मोहम्मद अली टाइप के बहुत सारे लोग गए कोई एक दो आप नाम ले रहे हैं लाखों करोड़ों लोग हैं अच्छा वो आ, कर मगर वो इस मौलवी से ज़्यादा खौफनाक रिएक्ट करेंगे गदार वो आपको कहेंगे हिंदुओं का हिंदुस्तान एजिन्ट का एजेंट आपको कहेंगे गदार के के पाकिस्तान कहेंगे इस्लाम मुसलमानों का दुश्मन कहेंगे तो उन लोगों को कैसे कन्विंस किया जा सकता है उनको कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है उनको वो जिस गटर में रह रहे हैं वहीं रहने दें इनको धोने की ज़रूरत नहीं है ये तारीख जो है इनका जवाब देगी आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेटर कौन था ट्रेटर कौन है जिसने हिंदुस्तान के बाजू काटे या जिसने हिंदुस्तान की स्पिरिट को डिफेंड किया एक तो हिंदुस्तान में आप पाँच हजार साल से रह रहे हैं आप कन जो फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान को काटो और उसके दो टुकड़े करो क्योंकि हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में और हम ऐसे सुपीरियर लोग हैं कि हम हिंदू मेजॉरिटी के अंदर नहीं रह सकते और अगर रहेंगे तो ब्लैकमेल करके रहेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ पे रहेंगे शरिया नाफिज करेंगे पुलिगमी करेंगे 16 साल की बच्ची से शादी करने का हक रखते हैं तो कौन ट्रेटर है इसमें मोहम्मद अली जिना ट्रेटर है या महात्मा गांधी ट्रेटर है जिना ही ट्रेटर हुआ ना बॉम्बे से इलेक्ट हुआ और बजाय इसके कि बॉम्बे को रिप्रेजेंट करे वो कराची को रिप्रेजेंट करने लग गया आपके यहाँ इस मुल्क में डेमोक्रेसी कैनेडा में इंडिया में इस टाइप की हरकत करने वाला दूसरी टाइम पे इलेक्ट नहीं हो सकता कुबैक का इलेक्टेड आदमी कुबैक के अगेंस्ट तो नहीं काम कर सकता ना तो ये तो आपकी हालत है अब वो ये मौलवी साहब तो गुस्से में सच बोल पड़े क्योंकि गुस्से में सच बोलता है आदमी या दारू वारू पी के बोलता है डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर ये सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा चूँकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो प्रापागेंडा पे बिलीव करते हैं या वो इंडियन जो एंटी मोदी रजीम हैं उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म का जो नक्शा है वो ख़राब हो रहा है देखिए मोदी साहब को ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं जिन पर क्रिटिसिज्म ना की जाए अभी उन्होंने मैं मैंने तो ट्वीट भी किया उनके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम फॉरन uh, पॉलिसी में उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट से हम स्कॉलर्स बुलवाएंगे टू फाइट इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म मैंने कहा ये तो आप ऐसा ही कर रहे हैं कि, कि इन कैंसर बढ़ाने के लिए एक और कैंसर कर दें वो और बात है उन पर तनकीद होती है और वहाँ डेमोक्रेसी है uh, मोदी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से बिहार के इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त हुई अभी आप देखिए इन द बीजेपी बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन फाइटिंग बीच में हो रही है बड़े बड़े जो बीजेपी के लीडर्स हैं दे आर मीटिंग लेकिन साथ ही मोदी साहब इस वक्त मॉस्को में बैठे हुए हैं और रूस के साथ उनका तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का या प्राइम मिनिस्टर होता है उससे गलतियाँ भी होती हैं उससे प्लस पॉइंट भी होता है जब उसकी टर्म ख़त्म होती है तो डिसाइड करना होता है वोटर्स ने कि ऑन दी बैलेंस ये हमारे लिए अच्छा रहा या नहीं कांग्रेस ने आज तक ये किया जो नेहरू साहब के 15-16 साल की हुकूमत के बाद ज़रा ज़्यादती हो गई कि वोट बैंक्स का सिस्टम शुरू किया कि वो लोग जिनको राइट्स दिए गए क्योंकि वो बैकवर्ड हैं चाहे ट्राइबल्स थे या दलित क्लास थी उनको और ख़ास तौर पे मुसलमानों को उनको यूज़ किया गया फॉर वोटिंग इन वन वे कि वो मुल्क के मसाइल पे ना सोचें वो ये कहें कि हमारी कम्युनिटी के लिए कौन अच्छा है जब ये आ जाता है कि आपकी कम्युनिटी के लिए कौन अच्छा है तो फिर आप मुल्क के बारे में नहीं सोचते आप कम्युनिटी का सोचते हैं अब ये सोचिए कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आपको हर टाइप का हिंदू मिलता राइट right विंग है लेफ्ट विंग है कांग्रेस का है कम्युनिस्ट पार्टी का है जिधर भी देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं जो पूरी पूरी हुकूमत को केस कर कर के गिरा रहे हैं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं आ, बहुत ही काबिल सियासतदान हैं जैसे केरला से वो अपने शशि थरूर हैं वेरी केपेबल पीपल वो सब इस बेसिस पे नहीं लड़ रहे कि हिंदुओं के लिए कौन अच्छा उनका इख्तलाफ है हिंदुस्तान के लिए कौन अच्छा है मुस्लिम कम्युनिटी को देखिए वो ये नहीं उनमें डिवीजन नहीं है वो ब्लॉक वोटिंग की बात करें कि अब की बार किसको दिया जाए वोट जहां आप देखिएगा बिहार के अंदर भी इलेक्शन हुआ जो मुसलमान एक पार्टी गई वहां महाराष्ट्र से उन्होंने उसी डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया जहां मुस्लिम मेजोरिटी है तो जब आपने ये तय किया कि ये ब्लॉक वोटिंग होगी कि फॉर एग्जांपल हमारे टोरंटो में भाई इटालियन सब एक को दें ये किसी ज़माने में होता था लेकिन जो मेचोर कम्युनिटी होती है जैसे आप जहाँ ये इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ कुछ छः मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपने बताया है, जो सबके सब, सब हिंदुस्तान कन, क्या कनेडियन सिख हैं लेकिन सब आपस में कनेडियन सिखों के अगेंस्ट लड़के जीते तीनों पार्टियों के कैंडिडेट जीते हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में अगर यूपी के अंदर आजमगढ़ या वो जो एम हैं जिनकी भैंस भाग गई थी आ, चोरी हो गई थी या मैं नाम भूल रहा हूँ उनका जिन्होंने अभी इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस के लोग होमोसेक्शुअल होते हैं वो वोट बैंक करते हैं कि मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है कोई ये नहीं कह रहा मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है और इसमें मुसलमान पीछे रह गया एक मैं आपको डिस्ट्रिक्ट की बात करूं दिल्ली से थोड़ा दूर है मेवट मेवट है या मियो मुसलमान कहलाते हैं इंडिया के सबसे बैकवर्ड एरिया उसके अंदर कोई मैंने सुना है मैंने कोई दे जाके देखा तो नहीं है हमारी एक दोस्त हैं जो बहुत उनके साथ वहाँ काम कर रही मुसलमान औरतों के साथ एजुकेशन है ही नहीं मुसलमान लड़कियों की जब आपका एम्फोसिस ये हो कि 18 साल की उम्र शादी की घटा के 16 की जाए तो आप तो यही कह रहे हैं ना कि बच्ची को पकड़ के फ़ौर शादी करा दो ताकि वो बच्चे जने उसकी ज़िंदगी ना रहे आप पुलिगमी को डिफेंड कर रहे हैं पूरा एम्फोसिस मुस्लिम कम्यूनिटी का ये हो जाए कि हमारे लिए कौन है मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन बचाएगा जबकि मुसलमानों को ये चाहिए कि सिंगल लॉ हो और कहें कि हम वी आर इक्वल टू एवरी अदर इंडियन एंड मजहब से हमें तफरीक ना किया जाए हमें हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन कंस्टिट्यूंसी चाहे अगर महाराष्ट्र में हैं यूपी में है जहाँ पे भी हैं कश्मीर में हैं हम क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर इंडिया वो सेंस नहीं है देखिए हम सेक्युलरिज्म की जब बात कर रहे हैं और आप इतफाक़ से उन्हीं दिनों इंडिया में थे जब आमिर ख़ान का मसला बहुत बड़ा मसला बन गया तो आप क्या कमेंट करेंगे <laughs> बेचारा फंस गया वो देखिए वो एक्टर है उसको क्यों दानश्वर बना रहे हैं आप और वो बहुत ही सुथरा आदमी है देखिए वो उससे ज़्यादा सेक्युलर कौन होगा कि वो हज पे भी जाता है उसकी बीवी हिंदू है उसके बच्चे ठीक हैं उसने मेरा ख्याल है गलती से कह दिया कि किरण ये कहती घर गया होगा बहुत पिटाई हुई होगी क्योंकि <laughs> वो बीवी के कंधे पे उसने बंदूक चला दी कि साहब बड़ा मुश्किल है हमें मुल्क छोड़ना पड़ेगा आमिर खान को क्या पता आम हिंदुस्तानी के क्या मसले हैं सुपर स्टार है। सुपर स्टार ये बिलीनर हैं इन कम इनकी मुलाकात ही चाहे वो आ, यानी अमिताभ बच्चन हो या आमिर खान हो इन लोगों को आम आदमी आम हिंदुस्तानी का क्या पता इनकी सिर्फ मुलाकात उस हिंदुस्तान आम हिंदुस्तानी से होती सेट पे जो इनका चेंज कर रहा है आगे पीछे मेज़ कुर्सी हटा रहा है तो ये तो खाम खा के दानश्वर बन गए ना क्योंकि इनकी आवाज़ अच्छी है उर्दू अच्छी है और इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इंडिया में उर्दू की इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हिंदुस्तान में कोई उर्दू बोल दे तो वाह वाह तो हो ही जाती है उसकी कैसा भी आप स्टुपट सा शेयर कर दें कि मुझे चाय पिलाओ तो लोग कहते वाह 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 आधा बर्ज़ मुकर और ये इसको मिसयूज़ पाकिस्तान भी करता है इसको मिसयूज़ करते हैं यूपी और उस एरिया के मुसलमान भी कि वो खाम खादानेश्वर लगते हैं एक अजीब बेवकूफ सा आदमी ऐसे लगता है बहुत बड़ी बात कर रहा है क्योंकि वो उर्दू में कह रहा है ये पिछले दो तीन सौ साल का असर तो है ना साठ साल में तो नहीं ख़त्म होगा देखिए जैसे जावेद अख्तर हैं शबाना आज़मी हैं बहुत काम की बातें कर बिल्कुल दानश पर लोग हैं उन्होंने इस मौजूद पर बात भी की जावेद अख्तर साहब के मैंने इंटरव्यू देखे आपकी शायद मुलाकातें भी रही होंगी तो क्या वो हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी को सेकुलरज़म की तरफ लाने के लिए कोई इनका माइंडसेट चेंज करने में किरदार अदा कर सकते हैं कर सकते हैं ख़ुद सेकुलर हैं बताइए जावेद अख्तर से ज़्यादा कौन सेकुलर होगा शबाना से वो किसकी बेटी हैं वो तो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल की कैफी आज़मी की एक उनका वहीं इंदौर में मेरे साथ जो लिटरी फेस्टिवल में आई वाज देर कमाल के लोग हैं लेकिन ये बहुत कुछ और कर सकते हैं इनको खुल के आना चाहिए मौलवियों के अगेंस्ट छुप छुप के नहीं डर डर के नहीं खुल के आना चाहिए कि ये अब नहीं चलेगा मौलवियों का अगेंस्ट या उस माइंड सेट के अगेंस्ट जिसकी मैंने बात की वो टाई वाले लोग वो टाई वाले हों मौलवी को आप पहले टंगड़ी देंगे खुद ही ढांचा गिरेगा ये ब्लैक मेलिंग पावर पाकिस्तान में मौलवी का इतना नहीं जितना इंडिया में मतलब कौन है ये जमयतलमा इस्लाम और हिंद वाले इन्होंने ठेका लिया हुआ है मुसलमान की फैक्ट्री लगाई हुई है फ़तवे दर फतवे अब तो अरुण छूरी ने पूरी किताब इनके फतवों की छाप दी सब नंगे हो गए उसके अंदर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया मुसलमानों को बैकवर्ड करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे ये लोग ये अरबी लिबास कौन पहना रहा है हिंदुस्तानियों को क्या आज इंडिया में खुदा हाफज़ नहीं कोई कहता सब अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं नमाज नहीं कहते सलात कह रहे हैं यह क्यों हो रहा है किसी का तो पैसा चल रहा है ना हिंदुस्तान में सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में है लेकिन हिंदुस्तान के फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एक मैंने तस्लिमानसिन व रहती हैं वो ना अल्लाह में यकीन करती हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद मे शज एन एथियस्ट उसकी जान खतरे में रहती है हर वक्त दूसरा मैं कैरेक्टर मोहम्मद सलीम को लूंगा जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के प्रोमिनेंट लीडर है कम्युनिस्ट हैं तो वो भी किसी अल्लाह में नहीं बिलीव करते और मोहम्मद में नहीं बिलीव करते मुसलमानों हिंदुस्तान के मुसलमानों को शौक है तस्लीमा नसरीन की पिटाई करने का लेकिन मोहम्मद सलीम को कोई हाथ नहीं लगाता है। क्या फर्क है एक अमेरिका को हर वक्त गाली देता है और दूसरा अमेरिका को गाली नहीं देती तो अब इस्लाम हिंदुस्तान में एक चीज का मतलब है आप एंटी अमेरिकन हो एंटी अमेरिकनिज्म इज़ अ कोड वर्ड जिसके अंदर आप एंटी इंडिया भी हो सकते हैं छुप के आप एंटी हिंदू भी हो सकते हैं आप एंटी एथियस भी हो सकते हैं आप उस सब को कहते हैं एंटी अमेरिकन और जैसे मैंने पहले कहा कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा उसके बावजूद आपको शायद ही कोई मिलेगा इंडिया का मुसलमान जो एंटी अमेरिकन ना हो और ये भी कि उसने अमेरिका का वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ होता है मुझे किसी ने कहा कि हम तो नहीं जाते मैंने कहा आप ऐसा करिए मुझे वो शख्स बताइए जिसको अमेरिका का वीज़ा मिला हो और उसने फिर उसके बाद वो वीज़ा फाड़ दिया हो वो एक आप 200 मिलियन लोग हैं कोई तो मिलेगा ना 200 मिलियन का 20 करोड़ होते हैं जी बिल्कुल 20 करोड़ में एक आदमी तो बताइए ना जो अमेरिका का वीज़ा फाड़ रहा हो या जो इंडिया से अमेरिका गया हो और उसने कर दिया हो ये सारे हिंदुस्तानी मुसलमान आसरा नुमानी जो हिंदुस्तानी मुसलमान कह रहे है उसके तो दुश्मन है ना तो फिर तो ये सोच जो है जिसमें एक सेक्युलर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की लिबर्टी को रिकगनेशन ना हो और ट्राइबलिज़्म हो क्या हम एक उम्मत में हैं जिसमें हिंदुओं में भी कास्ट सिस्टम है ये सब लेकिन वहाँ तो रिकग्नाइज करके कास्टिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट चल रही है ना अब से नहीं सौ साल से विवेकानंदा के, के ज़माने से कैसा कैसा इंडिया ने कैरेक्टर नहीं पैदा किया हिंदुओं में से जिस जिसने रेफॉर्मेशन की बात ना की हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं पर साहब बहुत शुक्रिया जब भी आपसे बैठक होती है इस बिला तकल्ल्फ़ तजिया में बिला तकल्ल्फ़ गपशप में तो जी चाहते हैं आपसे ना ख़त्म होने वाली बातें करें आपसे शायद हम मकम्मल इतफ़ाक़ भी नहीं करते मगर आपसे इख्तलाफ़ भी नहीं कर सकते बहुत सारी बातों पर मगर फिर बात करेंगे आपसे बहुत सारे मौजुआत पर बात करना चाहते हैं फिर हम एक सेशन जल्द ही रखेंगे आज स्टूडियो में तशीबाबरी का बहुत बहुत शुक्रिया और नाजरीन हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया